पानी में घोल के दी हुई चीनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी, डॉक्टरों का इस मामले मत सुन। वो तो जनरल चीज चलाते कि अब चीनी मत खाओ, सब लोग चीनी नहीं खा रहे, फिर नमक नहीं खाओ, सब लोग नमक नहीं खा रहे। भाई जिसको जिस चीज की जरूरत है वो खाओ, बच्चों को चीनी की जरूरत बहुत है, उनको आप चीनी दीजिए, लेकिन ऐसी चीनी ना दीजिए जो दांत में वो खाएं या जिस तरह की, पर चीनी जो कि पेट में चले। दूसरे ये कि गर्मियों के दिनों में कोकम नाम का एक फल आता है, महाराष्ट्र में इसमें मिलेगा, उसको भिगो लिया रात, उसको दूसरे दिन चाहे तो थोड़ा उबाल लिया, उसका रस निकाल के उसमें चीनी डाल, चीनी डाल करके और उसको रख लीजिए दिन भर बच्चे को पी। अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाए तो मूली के पत्ते को, छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं उनको उबाल लीजिए, कोमल जिसको कहना चाहिए अभी अभी नवीन जो, उनको उबाल करके उसमें खड़ी शक्कर मिला करके या चीनी जो वाइब्रेटेड हो मिला करके बच्चे को दीजिए और कोई पानी न दें। एक दिन के अंदर बच्चे का जॉन्डिस ठीक हो सकता है। और गर्मियों में मूली का रस कर दे सके तो बहुत ही अच्छा, मूली खूब खाने को बच्चों के लिए मूली बहुत फायदेमंद, और उनको ऐसी ऐसी चीजें दीजिए जिससे कि उन पर बहुत ज्यादा फैट न, हमारे यहाँ तली हुई चीज बच्चों को दे देते हैं, कुछ सोचते नहीं, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं देना। और दूसरा यहाँ पर एक लीफ 52 भी अच्छी दवा मिलती है, वो अगर शुरू करते हैं तो एक साल के अंदर वो भी चल सकता है। लेकिन वो बनती है एक चीज जिसको हम कहते हैं मराठी में एरोने, हमारा हिंदी में पता नहीं क्या कहते, छोटी छोटी काली काली चीज होती है इतनी बड़ी बड़ी, जो बेर के साथ मिलती है, एरोनिया करते हैं, इतनी छोटी छोटी, हमारे नागपुर में बहुत होती है, नागपुर में किसी को लीवर का ट्रबल नहीं होता, सब बच्चे खाते हैं। चिरौंजी के दाने जो होते हैं ना, उसके ऊपर का जो होता है चिरौंजी के दाने के ऊपर का, उसी जैसे छोटी चिरौंजी वो भी चल जाए। और जब जाड़ा पड़े तो सौंठ थोड़ी सी पीस करके उसमें चीनी मिला करके सवेरे दें बच्चों जाड़ा पड़े, और गर्मी में ये चीज। दूसरी चीज के गन्ने का रस, जितना बच्चा पी सके उतनी चीज अच्छी है उसमें, गन्ने का रस उसमें अदरक डाल नींबू ये सब फायदा कर। और बच्चों को ज्यादातर ये कर रहे वो कर रहे ऐसे नहीं करना चाहिए, सवेरे उठो जल्दी चलो ये करो ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे उनकी जिसको आप लोग किडनी कहते हैं स्प्लीन खराब हो जाती है, और इसी से ब्लड कैंसर होगा, हेक्टिक लाइफ को लीड करता है उसको ब्लड कैंसर होगा। हेक्टिक ने बच्चों को बनाना चाहिए, बच्चों को बहुत शांतिपूर्वक रखना चाहिए, समझे ना। अब लीवर का रख लीजिए, आपको खुद लीवर है, आपको खुद लीवर की ट्रबल है, सारा मुँह पे जो है लीवर से तो आया है, सब लीवर है, माने आपको बचपन में खूब तल तल के पूरियाँ खिला दी, पूरी खाना पराठे खाना ये सब गंदी चीजें, अब वो रख के रात में फिर बासी खाना ये भी एक शौक है, पराठे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग।